पीपल बा 60 साल से नीचे का है, उसका स्टार्टिंग पैकेज कितना है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 7.5 लाख रुपए का ले लिया, 7.5 लाख रुपए के पैकेज पर उसके डिडक्शन जीरो है, क्योंकि अभी वो कोई भी लोन लिया हुआ नहीं है। अब आप देखें उसको कहाँ पर फायदा हो रहा है, उसको न्यू रिजीम में फायदा हो रहा है, क्योंकि ओल्ड रिजीम में ही हैज टू पे 65,000, इन न्यू रिजीम ही हैज टू पे 39,000, ही इज सेविंग 26,000 रुपीज इन हिज हैंड एंड ही कैन स्पेंड दिस अमाउंट एनीवेयर ही वॉन्ट्स। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पर्सनल फाइनेंस में टैक्सेशन को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेव अवर मनी। सो आई होप अभी तक मेरा काफी कुछ क्लियर रहा। अगले 5 मिनट और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। ये ब्रेन है हमारा, ह्यूमन ब्रेन, इसमें एक पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम कभी कभी यूज करते हैं वो हम अपने लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज करते हैं, लिम्बिक पार्ट बोलते हैं उसको, जहां पर इमोशंस की बात आती है। इमोशन कैसे, कि जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा हुआ और मेरा फ्रेंड आया, बोले यार एक काम करो बच्चे के नाम पर एक LIC ले लो, एंड आई गॉट कैरिड अवे विद द इमोशंस और मैं सोचता हूँ चलो बच्चे के नाम पर LIC ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्या मुझे बच्चे के नाम से LIC लेना चाहिए, कि मैंने अपने नाम पर एक टर्म प्लान लेना चाहिए। मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो तो पैसा मेरे परिवार को मिलना चाहिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चा होना नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो मुझे मेरा टर्म प्लान लेना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली जब मेरे पास में कहीं से 25 लाख रुपए आए तो मैंने सोचा अरे यार बहुत सिर दुखता है, होम लोन चुका के बरी हो जाते हैं एक बार में, लेट अस पे द होल अमाउंट इन द होम लोन एजुकेशन लोन और मैं आराम से सुख की शांति की नींद और अच्छा जीवन जीना चाहूंगा। तो आई पे दैट अमाउंट बट आई डू नॉट यूज माई रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या मैंने रैशनल पार्ट को भी यूज करना चाहिए? ऑलवेज, बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंस। हर चीज इमोशन से हम यहाँ पर नहीं सोच सकते, रैशनली सोचना पड़ेगा। इसलिए जब भी लाइफ में डिसीजन लेना हो तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए। आपके पास नॉर्मल प्रूडेंस है और जब भी प्रूडेंटली आप किसी चीज को सोचेंगे, 4 लोगों से पूछ के, इंफॉर्मेशन की एज में पूरी तरीके से इन्फॉर्म होकर जब आप सोचेंगे तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेक अवेज ऑफ द सेशन। ये लास्ट स्लाइड है। टेक अवेज में पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, डू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर मैं एग्जाम्पल दूं हमारे इन्वेंटर ऑफ द चेस का, मैं एग्जाम्पल दूं आपको PPF या म्यूचुअल फंड का, मैं आपको एग्जाम्पल दूं वॉरेन बफेट साहब का, तो यू विल सी दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैन ओनली हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ ह्यूज कॉर्पस। सेकेंड, वी हैव टू स्टे वॉट एवर स्कीम वी चूज, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड और सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक PPF एंड ऑल, वी हैव टू स्टे इन दैट स्कीम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ज्यादा समय तक रहेंगे तो यू कैन इंक्रीज द कॉर्पस बिकॉज इट विल गिव यू द कंपाउंडिंग बेनिफिट। थर्ड, कीप योर मनी सेफ इन द गवर्नमेंट स्कीम। जब भी हमें डर लगे अपना अमाउंट गवर्नमेंट स्कीम में पार्क करें, और जब सामान्य समय भी हो तो कुछ हिस्सा हमारा गवर्नमेंट स्कीम में होना चाहिए, सो दैट वी कैन हैव सम फंड्स इन अवर हैंड इवन इफ द रिस्कियर फंड गेट्स वैनिश्ड ऑफ। फोर्थ, नेवर से नो टू द शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। यू हैव टू टेक लिटिल रिस्क, नहीं तो हम 7% से कमाते रहेंगे और आगे चल के गवर्नमेंट ने इसका रेट अगर 6% कर दिया तो हम 6% से कमाते रहेंगे। सो वी हैव टू टेक अ लिटिल रिस्क, वी हैव टू गो इन टू म्यूचुअल फंड, वी हैव टू गो इन टू द शेयर मार्केट, सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम मनी विच वी कैन पुट इन द रिस्कियर स्कीम एज वेल। बट नेवर फॉरगेट टू डू द टैक्स प्लानिंग बिकॉज वी हैव सीन इन द स्लाइड कि बेटर टैक्स प्लानिंग कैन सेव अवर टैक्सेस इन अवर हैंड। देन कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, आज मैं PPF में जाता हूं तो मैं देखूं कि 4 साल बाद PPF का, 2 साल बाद रेट क्या चल रहा है। मैं मुझे देखना चाहिए कि मेरा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसके लिए मैंने वेबसाइट्स भी आपसे शेयर करी थी, आप उन पर जाके अपने म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर कर देख सकते हैं। देन ऑलवेज टेक रैशनल डिसीजन, डोंट गेट कैरिड अवे विद द इमोशंस बट ऑलवेज टेक द रैशनल डिसीजन एंड मेंटेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स आज अगर कोविड पीरियड है और मैंने अपना हार्ड अर्न मनी पूरा पूरा कहाँ डाल के रखा हुआ है, टैक्स सेविंग स्कीम में, लॉन्गर पीरियड के PPF में, और मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने म्यूचुअल फंड सेल करने पड़ेंगे इमीडिएटली। और कोविड पीरियड में अगर मैंने बेचे तो हो सकता है मैं लॉस
खाकर और मार्केट से बाहर निकलो। तो मैंने क्या करना चाहिए, कुछ अमाउंट अपना लिक्विड रखना चाहिए, पर उसको सेविंग अकाउंट में न रखो। लिक्विड मेरा फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है, लिक्विड फंड भी होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लिक्विड फंड होते हैं, मैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मैं उसको कभी भी एनकैश करके बाहर आ सकूँ। लेकिन लिक्विड फंड में इंटरेस्ट का रेट कम कम होगा, लिक्विड फंड में मेरा रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, लेकिन कुछ लिक्विडिटी मेरे पास में हमेशा होना जरूरी है। लेकिन कभी भी पैसा घर में ना रखें और कभी भी पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखें, मिनिमम अमाउंट वहां पर होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट फॉरगेट द टर्म प्लान, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द MBA ग्रेजुएट्स। टर्म प्लान 25 साल की एज में, 26 साल की एज में अगर आप जॉब ज्वाइन करते से ही लेते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते से ही लेते हैं, टर्म प्लान आपको 10 या 12 हज़ार रुपये में 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आप चाहें तो 1 करोड़ का प्लान अलग अलग कंपनी से ले लें, आप चाहें तो LIC और SBI जैसे कंपनी से ले लें, आप चाहें तो HDFC या ICICI से भी ले सकते हैं, बट टेक अ टर्म प्लान सो दैट यू कैन बी सेफ एंड योर फैमिली कैन बी सेफ एंड नेवर फॉरगेट टू टेक मेडिक्लेम। एटलीस्ट एक अंदाज लगा लीजिए कि भाई मुझे कभी भी कुछ होता है तो मेरे को कितने पैसों की जरूरत होगी, हो सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उतने की प्रीमियम कितनी आएगी। इट विल नॉट बी मोर देन 1,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप यंग एज में है, 25 से 30 साल की एज में, आप 2 या 3 कंपनी से भी मेडिक्लेम ले सकते हैं, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने भी ग्रुप मेडिक्लेम लिया हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने ग्रुप का टर्म प्लान लिया हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन ऑलवेज गो फॉर टर्म प्लान एज मेडिकल प्लान एज वेल, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि थोड़ा सा पैसा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थोड़ा बहुत हमारा म्यूचुअल फंड, कुछ हम जा सकते हैं शेयर मार्केट में, टर्म प्लान को बिल्कुल ना भूलें और मेडिक्लेम को बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Thank you so much, sir, for this wonderful talk. And we have some questions. The recent question was from Dr. K. Mohan, which is the best investment option for 70 plus persons? Just in the beginning itself, I talked about one thing that we are doing this project for the on behalf of Rotary, we are doing this project for the youth. So I did not talk about the senior citizen. But sir, as the person is 70 and above, I would suggest that he should not at all go into the share market, but he can always think about the liquid mutual fund. He can always think about the debt mutual fund, but he can also try for the senior citizen scheme, which I had suggested, जिसमें 7.4% का interest मिल रहा है, that will be your monthly income. You can also, if you have already have a corpus of mutual fund, you can also go for systematic withdrawal plan. आप systematically withdraw भी कर सकते हैं mutual fund से, and अगर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर बार क्या होता है, whenever we give consultancy, it is a general consultancy, because we always take into consideration कि what is the age of the person, what is his savings, उसकी taxation liability कितनी आ रही है, उसके घर में कितने dependents हैं, उसकी age अभी और कितनी बाकी बचने के chance हैं, ये सब देख के फिर हम पर्सनल एडवाइस देते हैं। बट जनरली अगर मैं बताऊं तो आप इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन स्कीम में बिल्कुल कर सकते हैं, दैट विल बी सेफ। इससे ज्यादा अगर चाहिए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि आपने सेज का सेशन अटेंड करा था मेरा, तो देर विल बी नो चार्ज एंड आई कैन गिव यू द फ्री कंसल्टेंसी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन दैट केस वी विल बी गिविंग अ पर्सनल कंसल्टेंसी टू यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच। Next question from Vikas Shukla. For beginners, how to begin investing in mutual fund? What are initial plans that a youngster of around 25 to 30 years age can invest? Say again, it depends upon the amount you want to invest. I have told you in the beginning itself that say I have started earning a figure of 6 lakhs rupees per annum. Okay. But I have a huge liability of paying my education loan. I have to pay some amount to my parents because somehow they have managed to raise me up. In that case, I do not have any amount lying with me. So, thoda din aap us samay ko pass on karne ki koshish kariye. But if you have a good amount in your hand and if you can save that amount and if you want really to invest in mutual fund, then I would suggest that you should start investing in the large cap in the beginning. Large cap matlab aisi companies jo ki, ek example deta hu main, humne subah utke maan lijiye प्रॉक्टर एंड गैम्बल या हिंदुस्तान लिवर की किसी प्रोडक्ट से ब्रश करा, तो वो लार्ज कैप कंपनी होती है।
फिर हमने कॉर्नफ्लेक्स खाया तो लार्ज कंपनी होती है, हमने हॉर्लिक्स पिया तो वो एक लार्ज कंपनी होती है, हम अपने कार से अपने ऑफिस जा रहे हैं तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है। मतलब हम दिन में जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं दे बिलोंग टू सम बिग एमएनसी। ऐसी एमएनसी के म्यूचुअल फंड में हम करें तो इनको बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटल वाले म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप की मैं आपको तभी कहूंगा जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि स्मॉल कैप में आपके चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज देर इज मोर रिस्क एंड यू कैन अर्न मोर। बट इफ यू वॉन्ट टू प्ले सेफ यू कैन गो फॉर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिडिल कैप वाली भी कंपनीज होती हैं। देर आर सर्टन म्यूचुअल फंड विच आर रिलेटेड टू विच कैन चेंज मन से फॉर एग्जाम्पल दे पुट मनी इन टू द लार्ज कैप कंपनीज, बट इफ दे सी के लार्ज कैप में अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है एंड देर इज अज रिस्क, दे विड्रॉ द मनी एंड दे पुट द मनी इन सम डेट स्कीम और वो आपको सेफ गार्ड कर लेते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में भी आप जा सकते हैं जहां पर डेट और इक्विटी का मिक्स राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग एनी क्वेश्चन। ओके सर एक और क्वेश्चन आया अभी जस्ट निखिल मास के, इज एलआईसी इन्वेस्टमेंट इज गुड? एलआईसी इन्वेस्टमेंट हाँ इज गुड? एलआईसी इन्वेस्टमेंट मींस यू आर बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम एलआईसी और यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी इन एलआईसी, बिकॉज यू इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी इन एलआईसी देन सर्टनली एलआईसी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड यूर इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट सेफ। बट इफ यू आर बाइंग इंश्योरेंस देन अगेन इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यूर इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट सेफ, बट सिंस इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग योर रिटर्न्स विल ऑल्सो बी लेस एज कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट सेक्टर। सो दिस वे एल आई सी इज सेफ, बट नाउ अडेज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिस इन्वेस्ट एल आई सी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% जस्ट टू मेक इट मार्केट कॉम्पिटेंट। सो अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी थोड़ी सी रिस्क भी बढ़ेगी और थोड़े से रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट एल आई सी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।